जो चीज मुझको ज्यादा सालती है, ज्यादा तकलीफ देती है, वो ये है कि ये तो ठीक है कि राजनीति और हमारे जो नेता हैं उनके बारे में हम सब जानते हैं, उनकी डिग्री की बात भी हमने की, उनकी पत्नी, उनकी माँ, उनका परिवार, उनकी शिक्षा, उनके संस्कार, उनके कपड़े, उनकी दाढ़ी, मतलब हम एक क्षण भर के लिए उनको छोड़ दीजिए किनारे, लेकिन कैसा समाज बना रहे हैं, मतलब इसकी परवाह जो है क्या इतनी बड़ी सरकार में कोई भी नहीं करता है कि आप कैसा समाज बना रहे हैं। सुनने में बात लगती है कि क्या इस तरह की बातें समाज जो है, और कन्हैया ने तो कहा भी कि समाज जो है वो वैसा नहीं है जैसा जिस तरह का चित्रित किया जा रहा है। ये ठीक है कि वैसा नहीं है, लेकिन वैसा भी है, उसमें भी आप समझिए कि पिछले अरसे में, पिछले कई वर्षों में इस तरह का ध्रुवीकरण हुआ है। जब आप ठीक है, लोग धीमे धीमे करके समझने लगते हैं, लेकिन जब आडवाणी ने राम मंदिर की रथ यात्रा शुरू की, जुलूस निकाला, लोग अपने अपने घरों से राम के नाम पे ईंटें लेके निकल गए थे, वो लोग भी जो उस तरह से कट्टर नहीं माने जाते थे, हालांकि बाद में उनको लगा कि हमारे साथ में धोखा हुआ है, लेकिन कब लोगों को आप किस बात पे भुलावे में डाल सकते हैं, कब आप लोगों को भड़का सकते हैं, तो लोगों में ये भोलापन है, भोलापन है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस भोलेपन की वजह से वो झांसे में नहीं आ सकते हैं, वो झांसे में आते हैं, और यही वजह है कि कई ऐसे लोग भी, इसके बावजूद कि आपको पड़ोस में बहुत अच्छा आदमी मिलता है, आपको रेल में भी बहुत अच्छा आदमी मिलता है, ऐसी कहानियां हम खुद छापते हैं जब भी मौका मिलता है कि किस तरह से देखिए समाज में भाईचारा है, ऐसे लोगों की संख्या निश्चय ही बड़ी है, लेकिन खतरा उन लोगों से ज़्यादा है जिनकी संख्या थोड़ी है लेकिन दिमाग कलुषित हैं, और जिनको जो है भड़का करके जिनके दिमाग में जहर भरा गया है। और ये जो जहर भरने का सिलसिला है, ये नीचे से नहीं, ये ऊपर से शुरू होता है। उन लोगों को संरक्षण कहाँ से मिलता है, वो विचार कहाँ से उनको मिलता है जिसमें इस किस्म की गंदगी, इस किस्म की आग जो है उनको हासिल होती है, ये समझने की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा कि कैसा समाज हम बना रहे हैं, इस पर कोई बात करता है, कोई गौर करता है। ये चार साल सरकार के हैं, आएंगे चले जाएंगे और सरकारें भी आएंगी, लेकिन असहमति की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये असहमति जो है इसको लेकर के सरकार क्या सोचती है, नहीं सोचती है, लेकिन हम लोगों में भी क्या अभिव्यक्ति को लेकर इतनी चिंता है, क्या लोग हैं। अब मीडिया की बात, चूंकि मीडिया के चार लोग, तीन लोग हम लोग यहाँ हैं, हर कोई, और यहाँ तो सहयोग की बात है कि ऐसे लोग बुलाए गए हैं जो एक ही ढंग से सोचते हैं, ऐसे लोगों को भी काश बुला सकते जो थोड़ा बहुत उन लोगों का बचाव करने को, उनके पास कोई दलील है क्या कि क्यों सरकार के भोंपू बन गए हैं, या जो है रोज शाम को ऐसे वक्त में जब कोई गंभीर समस्या हो देश में, उस वक्त वो आर्क बिशप का या कोई इस किस्म का मामला जिससे चीजों पर ध्यान हटता हो उसकी बात करने लगते हैं। ये जो जमावड़ा है ये सिर्फ मोदी विरोधी या भाजपा विरोधी होके न रह जाए, इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि इसको, मतलब सिलसिला जो है एक विचार का है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये परंपरा पुरानी चली आती है असहमति को लेकर के। हमारे यहाँ पे कांग्रेस के ज़माने में आपको ढेरों किस्से मिलेंगे, मतलब इमरजेंसी तो चलिए एक सबसे बड़ा कलंक हमारे सामने हुआ, लेकिन इमरजेंसी के अलावा भी आपको अलग अलग जगहों पर, यहाँ तक कि लेफ्ट की सरकार जहाँ पे नंदीग्राम, अब मत भूलिए कि माश्विता देवी को सड़क पे उतरना पड़ा था लेफ्ट की सरकार के खिलाफ ही, तो असहमति की अगर हम बात करने के लिए बैठे हैं और लोकतंत्र की बात करने बैठे हैं तो ये मान के चलिए कि ये सिर्फ जो है चार साल की सरकार की बरसी मनाने के लिए नहीं बैठे हैं या उसकी जयंती मनाने के लिए हम नहीं बैठे हैं। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो असहमति की बात कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा और व्यापक कलेवर में सोचना चाहिए। राजीव गांधी थे, वो भी जब प्रेस बिल लेके आए थे तो उनकी भी काफी इस मामले में आलोचना हुई थी, दूध के धुले वो भी नहीं थे। तीन साल पहले हम लोगों ने इसी इमारत में, दूसरी तरफ जो हॉल बना हुआ है मावलंकर हॉल, उसमें एक आयोजन किया था प्रतिरोध नाम से, एक बार किया, उसके बाद में एक बार और भी किया था, दो बार, उसके बाद पैसे खत्म हो गए थे, क्योंकि उसमें ये था कि हम लोग आपस में ही जो है, अशोक वाजपेयी थे, अपूर्वानंद यहाँ पे हैं, वंदना राग, कुछ लोगों ने
और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जिसको लोग मान के चलते हैं कि नक्चढ़े लोगों की जगह है, ऐसा नहीं है। तो हम जैसे लोग भी वहाँ पे हिंदी बोलने वाले भी आते जाते हैं, तो वहाँ पर रोष जो है वो अचानक लोगों में भड़का, यानी हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, लगा कि मतलब लोग बोलते क्यों नहीं है, गुस्सा क्यों नहीं है। तो गुस्सा है ना, हम गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं और भी लोग करेंगे, लोगों को जोड़ा जाए। तो उसमें मैं अशोक वाजपेयी की दाद दूंगा और वो शायद इस आयोजन में बोलेंगे भी। उन्होंने कहा कि 1,00,000 रुपया जो है मैं देता हूँ, उन्होंने जेब से निकाल के दिया। फिर और भी लोग थे, उन्होंने किसी ने 50,000, किसी ने 60,000, जो हॉल का किराया वराया जो भी यहाँ था। तो एक वो जो आयोजन था, उस आयोजन में हमें उम्मीद नहीं थी कि जैसे आज इतने लोग हैं तो बड़ी हिम्मत बनती है कि हाँ समाज की बात हम कर रहे हैं, लेकिन इतना हताश होने की बात नहीं है, निराश होने की बात नहीं है। लोग हैं जो इसको लेके फिक्रमंद हैं और इसकी चिंता कर रहे हैं। 2015 में भी जब हमने प्रतिरोध का आयोजन किया मावलंकर हॉल में, वो हॉल काफी बड़ा भी है आप जानते हैं, खचाखच भरा है, और ऐसे लोगों को जिनको हमने आमंत्रित नहीं भी किया था, जैसे पी साईनाथ पीछे आकर के चुपचाप बैठ गए थे, कृष्णा सुक्ति को मैं लेने गया जब, तब वो 90 साल उन्होंने पूरे किए थे और सौभाग्य से अभी भी हमारे बीच में हैं। तो उनको कहा कि क्या आप आ सकती हैं, तो वो व्हील चेयर पर बैठ करके और उस आयोजन में वहाँ पे आई। उसका मैं हवाला इसलिए दे रहा हूँ उस आयोजन का कि उस वक्त लोगों ने कहा था कि आप ये लोग अभी भी हमको पूछ सकते हैं कि आप ऐसे आपको क्या पड़ी हुई है। उस वक्त भी पूछने वाले ऐसे सवाल मूर्तापूर्ण पूछते रहते हैं, तब भी पूछा था कि क्या जरूरत थी कि आप लोग जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इकट्ठा हो गए हैं। तो बिल्कुल अभिजात किस्म की जैसे एक भीड़ होती है आपने जमा कर ली। और उस वक्त जो प्रेरणा थी उसमें गुस्सा जो था वो मैंने आपको हवाला दिया, वो लेखकों में बहुत ज्यादा था। उसकी वजह ये थी कि एक के बाद एक 3 लेखक मारे गए थे। तो जब लोगों ने कहा कि क्या पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा बहुत था, मैंने खुद आपको हवाला दिया है, पर पहले इस तरह से लेखकों को लिखने के लिए मारा नहीं जाता था। हत्याएं मिलेंगी, कोई आपको कविता के लिए भी पता चलेगा मारा गया, लेकिन वो कविता की वजह से नहीं मारा गया कि इस एक कविता को लेकर के आप कहें कि किसी व्यक्ति की हत्या की गई। वहां दाभोलकर की जब हत्या की गई, पानसरे की हत्या की गई, कलबुर्गी की हत्या की गई, उसके बाद में गौरी लंकेश का सिलसिला भी उसमें जुड़ जाता है। और अगर आप उसका दायरा थोड़ा और बड़ा करना चाहें तो मैं कहूंगा कि सिरसा में जो छत्रपति की हत्या हुई उसको भी आप उसमें शरीक कीजिए, क्योंकि छत्रपति एक पत्रकार था जिसने ये जो लंपट सच्चा सौदा वाला राम रहीम सिंह जो जेल में गया, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने कितना समर्थन दिया, चुनाव में उसका समर्थन लिया भी, उस पर लांछन उस हत्या का लगाया गया है कि उसके उकसाने पर हुआ। छत्रपति की स्मृति में एक पुरस्कार भी दिया जाता है और लोग जानने लगे हैं। लेकिन ऐसे कितने ही छत्रपति आपको मिलेंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते कि उनकी हत्या हो गई है। अभी ग्वालियर में कुछ रोज पहले, वो तो आजकल सीसीटीवी का जमाना है, कि किस तरह से पत्रकार पे ट्रक चढ़ा दिया गया, वो जा रहा है स्कूटर पे और पीछे पीछे ट्रक जा रहा है और ट्रक चढ़ा दिया गया, वो माफिया के खिलाफ लिख रहा था। तो सहिष्णुता जो है उसकी इस तरह से वो छींच रही है कि आप सीधे सीधे न केवल विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, हम लोगों को जो अगर कुछ बोलते हैं तो उनको आप दलाल कहते हैं, बिकावा कहते हैं, बल्कि आप हत्या तक भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो आप मान के चलिए कि स्थिति जो है बहुत विकट है। और ये सिलसिला 2015 में जो साल हुआ था इस सरकार का, और दाभोलकर की हत्या तो पहले ही हो गई थी, लेकिन ये सिलसिला चला आ रहा था। तो जब लोगों ने हमको कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो मैं तब कहता था आज भी कहता हूं कि इसमें ये नहीं है कि किसी एक सरकार का विरोध है, क्योंकि वो भी लोग कहते हैं कि किसी एक लेखक की हत्या हुई तो वहां तो कांग्रेस की सरकार थी, वहां भाजपा की सरकार ही नहीं थी। सवाल इसका है ही नहीं, विचारधारा एक है जिसकी वजह से लोग मारे जा रहे हैं। सवाल एक नेता का, एक सरकार का नहीं है, एक विचारधारा है। ऐसी विचारधारा कौन सी है जो लोगों को असहिष्णु बनाती है, लोगों को बर्दाश्त न करना सिखाती है, और जो लोग जिनसे आप असहमत हैं उनको न केवल गाली देना सिखाती है, उनको चोर कहना सिखाती है, उनको दलाल कहना सिखाती है, उनका गला पकड़ना सिखाती है, बल्कि मौका पड़ने पे उनकी हत्या करना भी सिखाती है। इसलिए ऐसे दौर में उठना जरूरी है। और प्रतिरोध का जो आयोजन हुआ, और उस आयोजन में बहुत लोगों की हमको उसमें बहुत लोगों का समर्थन जो है
मिला था, राष्ट्रपति से मिलने गए थे मैं, अशोक वाजपेयी और विमान सुंदरम जी चित्रकार हैं, और राष्ट्रपति भी पद पे थे उस वक्त और बहुत व्यथित थे कि मतलब ये जो हो रहा है। और उसके बाद आप देखिए कि मतलब करीब 400 लेखकों ने और करीब 100 इतिहासकारों ने उसमें समर्थन दिया और वो संख्या बढ़ती चली गई थी। तब लोग ये सवाल भी पूरा एक अभियान शुरू कर दिया गया था, कहाँ है असहिष्णुता, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, मतलब हत्याएं नजर आ रही थी नहीं आ रही थी, लोग नजर नहीं आ रहे थे। फिर लोगों ने अपने पुरस्कार देने वापस किए तो पूरा पुरस्कार वापसी गैंग कहा गया। कितनी असहिष्णुता की पराकाष्ठा मैं मानता हूँ ये है कि आप हत्या को हत्या नहीं मानते और लेखक जिसको जिंदगी में एक कोई सम्मान मिलता है और उसमें थोड़ा सा पैसा भी मिलता है वो लौटा रहे हैं और 400 लोग देश में जो है और पूरा एक तरह से कह रहे तो गैंग है। ये असहिष्णुता जो है उसका सिलसिला मैं नहीं मानता हूँ कि वो खत्म हो गया, वो सिलसिला चला आता है। और जो निशाने पर हैं वो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों में मीडिया को भी शामिल मानिए क्योंकि उसमें वो लोग जो थोड़े मुट्ठी भर लोग हैं जो बोलते हैं वो लोग उनके निशाने पर हैं, लेकिन बाकी जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो निशाने पर है, दलित जो हैं उनके निशाने पर हैं। वो उनके निशाने पर क्यों हैं जो मैंने कहा कि उसकी वजह एक सिर्फ विचारधारा है, वो विचारधारा जो है वो उनको उस तरह की ये आपको कहना चाहिए कि दूषित जो है वो समझ देती है और उस समझ के चलते हुए वो अपने ही दायरे में एक समाज को दुश्मन मानते हैं, एक समाज को अपना मानते हैं, एक को पराया मानते हैं और जिसको पराया मानते हैं उसमें घृणा हिंसा और उन सब चीज़ों का जो प्रसार है करना अपना जिम्मा समझते हैं। और कठुआ का जिक्र आपने किया था तो बहुत सी चीज़ें हैं जो जिनकी बात हो सकती थी लेकिन दोहराव होगा और लोगों ने इस बारे में बात की है, लेकिन जिस तरह से चीज़ों को सरकार लेती है और चूंकि सरकार के 4 साल के मौके पे ये बात है तो इस बात का ख्याल करना चाहिए कि आप लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। कितने भोलेपन से आप देखिए कि लंदन में जाके प्रधानमंत्री कहते हैं कि रेप बहुत तकलीफ होती है, दर्द होता है, मतलब आपको साफ लगता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है। आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि आपके कठुआ में जहां आपकी सरकार चल रही है आपको तकलीफ किस बात की हो रही है, आप तो हिंदुस्तान से गए हैं और आपकी सरकार चल रही है, आपकी सरकार चलाने वाले जुलूस में शामिल हैं हथियारों के साथ में और वो कह रहे हैं कि हमें जो है कहा गया है पार्टी की तरफ से। और चूंकि उनके पास में सबसे बड़ा जो प्रतीक है वो तिरंगा झंडा है जो अपने संघ की शाखा पे नहीं लगाते लेकिन वहां पे जो है उनको हर वक्त चाहिए तिरंगा लेकर के वो लोग निकले थे। आपने कुछ भी नहीं कहा, आपका अपना विधायक उत्तर प्रदेश में जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ वो चिल्ला रही है चीख रही है मुख्यमंत्री के घर के सामने, अपने पिता के साथ गई है उसके पिता को उठा के उसकी हत्या हो गई सरेआम, तभी आपने नहीं कहा। लंदन में जाके आप कह रहे हैं कि बहुत दर्द होता है, झूठ बोलना जो है चेहरा जो है झूठ का छिपा नहीं रहता। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, कहना भी चाहता हूँ लेकिन जो है जो समय कहा गया था कि समय हो गया पूरा, मैं एक बार फिर जो है आयोजकों को बधाई देता हूँ और आप सब लोगों को कि आपने धीरज के साथ में, क्योंकि मैं सोचता था कि 3 घंटे का सत्र है इसको जो है लोग सुनेंगे कैसे, तो मुझको लगता है कि अगर ये घंटे भर और भी चलता तो आप सुन सकते थे। आपका भी धन्यवाद।